नहीं नहीं, जिसका डर था वही हुआ। एक जगह पे लावा मॉन्स्टर और ग्रेनी, और ग्रेनी मॉन्स्टर पे अटैक भी कर रही है। अगर मॉन्स्टर को गुस्सा आ गया फिर क्या होगा? और मॉन्स्टर ने उसको देख लिया। आज तो शोरूम पे इतना ज्यादा काम था, काम कर करके थक चुका हूँ। मैं ओनर हूँ शोरूम का, फिर भी इतना ज्यादा काम करता हूँ। ऊपर से आज इतनी ज्यादा रात हो चुकी है, अब मुझे भूख भी बहुत लगी है, थक भी चुका हूँ। मैं जल्दी अपने घर चलता हूँ सीधा। अरे देख के चला ली, कैसे चला रहा है गाड़ी? रुक मैं इसको देखता हूँ, थोड़ा सा इसको आगे आने दो। भाई कैसे चला रहा है गाड़ी तू? अरे वो तो मुझे पूछना चाहिए, गरीब तू कैसे चला रहा है? अरे गरीब किसको बोल रहा है? रुक रुक, तू मुझे गरीब बोल रहा है, मैं अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ, क्या कर लेगा, मैं रुक रहा हूँ, क्या करेगा भाई? रुक, मेरे पास स्प्लेंडर है, तू मुझे गरीब समझ रहा है? बाहर निकल, मैं इज्जत से बोल रहा हूँ, बाहर निकल। नहीं निकलूंगा, क्या कर देगा? रुक मैं तुझे बता दूँ क्या कर लूंगा, निकल बाहर। वेट वेट, ये क्या कर दिया मैंने? अरे भाई सॉरी यार, मुझे माफ कर देना, मुझे गलती हो चुकी, मैं जल्दी जल्दी भाग जाता हूँ, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। भाई वो इस सिटी का अमीर से अमीर लौंडा है और मैंने उससे पंगा ले लिया, अब मेरा क्या होगा? मैं जल्दी घर भागता हूँ, वो मुझे पहचान ना ले बाद में। अच्छा हुआ मैंने हेलमेट पहन रखा है, हेलमेट थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। मैं अब जल्दी घर चलता हूँ यार, वो है तो सारी की सारी सिटी का अमीर लौंडा, लेकिन कम तो मैं भी नहीं हूँ, मैं उससे डर क्यों रहा हूँ? मेरे पास भी अपना बिजनेस है, अपना शोरूम है, फिर भी मैं उससे डर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं डर रहा हूँ भाई, मैं डर रहा हूँ। वो बहुत पावरफुल बंदे यार, कुछ भी कर सकते हैं। मैं अपना हेलमेट यहाँ पर उतार लेता हूँ और आज के बाद इस हेलमेट को पहनूंगा भी नहीं, क्योंकि वो मुझे हेलमेट से भी पहचान सकते कभी भी। ये मुझे क्या हुआ? मैं अपने आप ही नीचे गिर चुका हूँ और मुझे ऐसा फील हुआ था जैसे कि पीछे से मुझे किसी ने धक्का दिया हो, लेकिन यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, लेकिन कुछ तो था, प्रॉपर मुझे धक्का आया है, जैसे धक्का देते वैसे कुछ तो था यहाँ पर, लेकिन छोड़ो पता नहीं क्या था। मैं अंदर चलता हूँ और कुछ ना कुछ खाता हूँ। मम्मी मैं आ गया हूँ, कुछ दो खाने को। अरे बेटा हर बार की तरह इतना लेट आए हो, अब हर बार की तरह इतना लेट आने के बाद भी सब्जी लेने जाओ? आज भी, लेकिन आज मैं बहुत थका हूँ, आज मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा तो मतलब तू भी खुद नहीं खाएगा और तू चाहता है मैं भी भूखी रहूं? मतलब नहीं, मतलब मैं भूखी रहूं, ठीक है मैं भूखी रहूंगी, पर मुझे नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, जा रहा हूं मैं, जा रहा हूं। मैंने जानबूझ के किया था, मुझे पता था ऐसा करूंगा तो तू जाएगा। यार ठीक है मैं जा रहा हूं। भाई हर बार की तरह आज भी इतना लेट आया, फिर भी सब्जी लेने जाऊं। लेकिन मैं ना अभी अपनी स्प्लेंडर को नहीं लेके जाता, क्योंकि अब मैं स्प्लेंडर को सिटी में लेके जा रहा हूं तो लोग समझ रहे हैं ये गरीब है, उन लोग को पता ही नहीं कि उसका इतना बड़ा बिजनेस है और इतना बड़ा शोरूम है। इस बाइक को छोड़ो, मैं अपनी तुम लोग को सुपर कार दिखाता हूं और उसी को ही लेके चलते हैं सब्जी लेने। सब लोग रेडी रहना, मैं अपनी फेवरेट सुपर कार दिखाने वाला हूं, और ये रही मेरी सुपर कार फरारी। यस, मेरे पास ये वाली फरारी है जो कि मैंने अपने शोरूम से ली थी, लेकिन मैं इसको इतना चलाता नहीं हूँ, लेकिन अब लग रहा है मुझे भी शो ऑफ करना पड़ेगा और रोज इसको चलाना पड़ेगा, तब जाके लोगों को लगेगा भाई ये भी कुछ ना कुछ है, वैसे तो इंसल्ट कर रहे हैं मेरी इतनी ज्यादा। लेकिन छोड़ो उन बातों को, मैं सब्जी लेने जाता हूँ, अब मैं फरारी को लेके जा रहा हूँ सब्जी लेने। और जब मैं अपने बिजनेस पे जा रहा हूँ, मतलब शोरूम पे जा रहा हूँ, वहाँ पर मैं स्प्लेंडर लेके जा रहा हूँ, वहाँ पर जो मेरे कस्टमर्स है वो मुझे समझते हैं, यहाँ पर ये एज ए गार्ड वगैरह है, उनको पता ही नहीं कि ओनर ही मैं हूँ सारे के सारे शोरूम का। लेकिन अब मैंने बहुत सेल लिया, अब मैं जहाँ पर भी जाऊंगा अपनी सुपर कार ही लेके जाऊंगा, और एक ये नहीं दूसरी भी सुपर कार लूंगा, उनको भी लेके जाऊंगा। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। एनीवेज अब मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ और सब्जी लेके आता हूँ। लेकिन वेट, ये मुझे अब कॉल किसकी आ रही है इस टाइम पे इतनी रात को? वैसे कौन हो सकता है इतनी रात को यार, मुझे नहीं पता। मैं गाड़ी को साइड में पार्क करता हूँ और अटेंड करता हूँ। हेलो हेलो बेटा, मैं बात कर रही हूँ, अब तू कहीं पर भी सब्जी को छोड़, जल्दी से घर वापस आ जा। लेकिन क्यों? मुझे तो बहुत भूख लगी, और खाएंगे क्या? अरे छोड़ खाने को, सिटी में मॉन्स्टर आ चुका है एक बिलू, और उसके साथ ग्रेनी लड़ रही है और तबाही मचा रहे, तू जल्दी से आ जा नहीं तो तुम्हें भी फिनिश कर देंगे। क्या, कौन सा मॉन्स्टर? ब्लू मॉन्स्टर और ग्रेनी, क्या बात कर रही हूँ, मैंने तो अभी तक देखे नहीं है। अरे अच्छा हुआ अभी तक तूने नहीं देखा, अगर देख लिए तो अभी गड़बड़ हो जाती, अब तू जहाँ पर भी जल्दी से घर वापस आ जा, मुझे नहीं पता बस आ। अरे लेकिन सब्जी कोली कट कर दी। अब यार ये मम्मी क्या बोल रही थी, सिटी में ब्लू मॉन्स्टर आ चुका है, ग्रेनी उससे लड़ रही है, तबाही मचा रहे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वेट, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो मेरे साथ ही स्टडी करती थी। अरे तू कौन है? अरे टीटियन तू? हाँ मैं हूँ। लेकिन वेट, तू इस टाइम पे यहाँ पर क्या कर रहा है, तू कहाँ पर जा रहा है? तुम्हें पता नहीं है सिटी में कितनी ज्यादा तबाही मच रही है, वो ब्लू मॉन्स्टर और ग्रेनी आपस में लड़ रहे हैं और तू यहाँ पर ऐसे ही घूम रहा है?
अरे मैं भी उसी के बारे में पूछ रहा था कि ये सच्ची में आए हैं क्या। अरे हाँ, और अभी वो विलेज वाली साइड पे तबाही मचा रहे। तू वैसे जा कहाँ रहा है? मैं तो विलेज वाली साइड से सब्जी लेने जा रहा हूँ। लो भाई लो, वहाँ पर वो तबाही मचा रहे। अभी शायद से चले गए होंगे, लेकिन वो तबाही मचा रहे। तू मत जा, मैं बोलती हूँ सीधा घर चले जा, नहीं तो बहुत फंसेगा। अच्छा ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। यार अब मैं क्या करूँ, इतना दूर आ चुका हूँ, थोड़ा सा ही दूर है सब्जी वाला शॉप। नहीं अब मैं इतना दूर आ चुका हूँ, अब मैं सब्जी लेने ही जाऊंगा। अब कोई भी मॉन्स्टर है, कुछ भी आए, मैं उनसे नहीं डरूंगा। मरना तेरे को डर नहीं लगता? लेट्स गो। वैसे तो मैं वापस चला जाता, लेकिन थोड़ा सा ही दूर है सब्जी वाला शॉप, अब वहां से लेके ही जाता हूं। आई थिंक जब तक वो वाला मॉन्स्टर मुझे देखेगा तब तक मैं सब्जी लेके वापस भी चला जाऊंगा। एक तो भाई सारी सिटी में एक ही सब्जी वाला शॉप है जो कि विलेज वाली साइड पे, और कहीं पर भी नहीं है सब्जी वाली शॉप। इतनी बड़ी सिटी है, कम से कम 5 सब्जी वाले शॉप तो होने चाहिए इतनी बड़ी सिटी में। एनीवेज मैं विलेज वाले एरिया में पहुंच चुका हूं और मुझे कोई भी मॉन्स्टर्स नजर नहीं आ रहे। और वेट, ये सब्जी वाला शॉप ऑफ क्यों है? नहीं ये कैसे हो सकता है, मैं तो सब्जी लेने आया था लेकिन ये ऑफ है, और ये तो 24 आवर्स ही ऑन होता है। आज पता नहीं क्यों ऑफ है, मुझे तो अब डर लग रहा है। मैं आसपास में किसी से पूछ लेता हूँ, लेकिन आसपास में भी कोई नजर नहीं आ रहा। मतलब अब लास्ट वेयर हो चुकी है, मुझे इनके घर के अंदर से ही सब्जी ले आनी पड़ेगी। यस, जब भी इनकी सब्जी वाली शॉप ऑफ होती है तो मैं इनके घर के अंदर से ही लेके आता हूँ। अभी ये ऑफ है तो मुझे अंदर से ही लेके आनी पड़ेगी। तो मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ और लेके आता हूँ। ऐसा ना हो मॉन्स्टर्स जाए और मुझे ही फिनिश कर दे, मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ। डन, मैं सब्जी तो लेके आया हूँ, लेकिन भाई जब मैंने उन लोगों से रीजन पूछा सब्जी वाली शॉप ऑफ करने का, तब उन लोगों ने जो बात बोली ना, उन लोगों ने लिटरली डर डर के बताया कि यहाँ पर ब्लू मॉन्स्टर आया था जो कि ग्रेनी से लड़ रहा था। और ऐसा भी नहीं है कि एक विलन है एक हीरोइन है, दोनों ही विलन है, दोनों ही सिटी को तबाह कर रहे हैं। और अभी उन लोगों ने मुझे बोला है तुम इस वाले रास्ते से जाओ, पीछे मत जाना, वहां पर बहुत खतरा है, तो मैं यहां से अब जाने वाला हूं। भाई अब तो मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन अभी तक मैंने देखे नहीं है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। ये इतनी बड़ी तबाही अगर सिटी में मचा रहे हैं तो न्यूज में तो आना चाहिए था, लेकिन शायद न्यूज में आया है तभी तो मम्मी बता रही थी। पता नहीं क्या है भाई। वेट, ये मैं सामने की तरफ क्या दिख रहा हूँ? ब्लू मॉन्स्टर आ रहा है। मैं भागता हूँ, मैं जल्दी रिवर्स लेता हूँ और भागता हूँ। उन लोगों ने तो बोला था ये वाला रास्ता सेफ है, लेकिन यहाँ से मॉन्स्टर आ रहा था, तो क्या फिर उन लोगों ने झूठ बोला था, या फिर गलती से ब्लू मॉन्स्टर इस साइड से आ गया है, या फिर वो मेरे ही पीछे पड़ा है, क्योंकि इस साइड से तो वो आने ही नहीं वाला था। मैं इस साइड से गया तो वो उस साइड से आ रहा था, और आई थिंक उसने मुझे देख भी लिया था। भाई अब मुझे डर लग रहा है, अब मुझे बस इसी रास्ते से ही जाना है जहाँ से मैं आया था। शायद से मैं सब्जी लेने ही नहीं आता, वो अच्छा होता मेरे लिए, लेकिन अब आ चुका हूँ तो जल्दी जल्दी मुझे जाना भी पड़ेगा। अरे नहीं, इस साइड से ग्रेनी और उस साइड से ब्लू मॉन्स्टर, अब मैं कैसे जाऊँ? और उसने मुझे देख लिया, अब मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। उस साइड से ब्लू मॉन्स्टर, इस साइड से ग्रेनी, अब मैं कहाँ जाऊँ? अब बस जो बीच से एक रास्ता है मेरे पास वही है, तो मुझे वहीं से जाना पड़ेगा। बस ऐसा ना हो उस साइड से दोनों ही आ जाएं। हाँ ये वाला रास्ता है, आई थिंक यहाँ से वो नहीं होंगे। भाई गलती तो मेरी अपनी है, मैंने अपने आप को खुद ही फंसाया है। जब मम्मी की कॉल आई थी उसी टाइम पे मुझे घर वापस जाना था, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया और मैं फंस गया हूँ। अब बस शायद से यहाँ से ना हो। आई थिंक ये वाला रास्ता सेफ है, क्योंकि अभी तक मुझे सामने की तरफ कोई भी नजर नहीं आया। यस आई थिंक सेफ है, बस ये मैं कंप्लीट कर लूं। यस ये अगर मैंने कंप्लीट कर दिया फिर तो मैं इजीली घर चला जाऊंगा। और यस ये मैंने कंप्लीट कर दिया, अब बस मैं सीधा चला जाता हूं, सीधा ही मेरा घर है, और मैं फुल स्पीड दे देता हूं। और फाइनली एस्केप कर लिया मैंने ब्लू मॉन्स्टर से और ग्रेनी से। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो दोनों मेरे ही पीछे पड़े हुए थे, एक जगह से वो आया दूसरी जगह से वो आया। लेकिन जैसे तैसे करके मैं अपने घर पे पहुंच चुका, अब सीधा मैं घर चलता हूँ और मम्मी को मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। ये अगर मम्मी को इस बारे में कुछ भी बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं गाड़ी को पार्क कर लेता हूँ और कुछ भी नहीं बोलना, मतलब कुछ भी नहीं बोलना उस बारे में। मैं बिल्कुल ऐसे एक्ट करूंगा जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। ओके मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ, अब मैं सीधा अंदर चलता हूँ, बस मैं कुछ बोलना दू। ओके मैं अंदर जा रहा हूँ। और मम्मी मैं ये सब्जी लेके आई हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, बना के दो मुझे अब। अरे मेरे मना करने के बाद भी तू सब्जी लेने गया और इतना टाइम लगा, मुझे तो लगा कोई गड़बड़ हो चुकी, अब नहीं बनेगी अभी सब्जी। तुम सिटी का हाल नहीं देख रहे हो, अब जल्दी ऊपर जाओ, नीचे आना मत। और वैसे तुमने उनको देखा तो नहीं था ना? यार मैंने तो देखे थे। अब नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं देखा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, अब तू चुपचाप ऊपर जाओ,
और जब तक मैं ना बोलूं तब तक नीचे आना भी मत। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैं ऊपर जाके क्या करूँगा? मैं तो कहती हूँ ऊपर जाके नाचना, क्या करेगा? वहाँ पर छुपा रहे, नीचे आना भी मत। अच्छा ठीक है यार, अब मैं यहाँ पर क्या करूँ? ये जिम तो मुझे वैसे पसंद नहीं, लेकिन अब मैं और कुछ कर भी क्या सकता हूँ। 2000 years later. वेट, अभी इतनी रात को मुझे कॉल किसकी आ रही है? इतनी रात को कौन हो सकता है? मैं अटेंड करके देखता हूँ। हेलो हेलो सर, मैं कुमु बात कर रहा हूँ। सर ये दोनों मिलके ग्रेनी और ब्लू मॉन्स्टर हमारे शोरूम को फिनिश कर रहे हैं, आप जल्दी पहुँचो। अरे शोरूम को क्या? सर क्या क्या करने का टाइम नहीं, आप जल्दी पहुँचो। भाई ये क्या हुआ, मेरे शोरूम को तोड़ रहे? अब तो मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, मैं आ रहा हूँ। तो क्या आप डीटीएन अपने शोरूम को बचाने के लिए उस वाले ब्लू मॉन्स्टर और ग्रेनी को फिनिश कर देगा, या फिर उसके जाते ही ब्लू मॉन्स्टर और ग्रेनी डीटीएन को फिनिश कर देंगे? वो जानने के लिए तुम लोग को इसका पार्ट 2 देखना पड़ेगा, और पार्ट 2 तुम लोग को तभी मिलेगा जब तुम लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और कॉमेंट्स में पार्ट 2 टाइप कर दोगे। तो बहुत ही जल्द इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा। बाकी अभी मेरी इस गेम की और वीडियोस देखनी है तो आप लोग जो ऊपर शो रही है उस पर क्लिक करो, मैं आप लोगों को वहीं पे मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।